गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ की हिंदी। सब बच्चे अपनी अपनी फिफ्थ की हिंदी निकालिए। हमने फर्स्ट चैप्टर पार्ट एक प्रार्थना पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको समझा था। इसकी पीडीएफ हमने आपको साइन कर दी है, आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर साइन किया है, आपके व्हाट्सएप नंबर पर साइन किया है। आप लोग उसे देख के उस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे अपनी अपनी कॉपी में, और जिन बच्चों की कॉपी कंप्लीट हो जाएगी वो उसकी फोटो कॉपी फोटो खींच कर स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, पेज नंबर आप लोग निकालिए, सेकेंड पार्ट पेज नंबर 5, पार्ट दो। पार्ट दो क्या है? व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता पार्ट जो है, इसमें व्यवहार कुशलता क्या होती है, व्यवहार मतलब क्या होता है सबको पता है? व्यवहार मतलब होता है आपका आचरण, आप कैसे हो, कैसे अच्छे हो बुरे हो, है ना। और कुशलता मतलब अच्छा या बुरा, मतलब कुशल अच्छा, है ना। व्यवहार कैसा होना चाहिए आपका? कुशल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चलिए मैं रीडिंग करती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक साहित्यिक भाषा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं, वह घबरा गया। क्या हो गया? एक साहित्य भाषा मतलब एक महोत्सव था स्कूल का, जिसमें सभी को भाषण देना था। वो उसमें एक बच्चा, मतलब उसमें एक बच्चे ने भाषण दिया, मगर वो अच्छा नहीं था, वो घबरा गया मतलब डर गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी, 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मतलब उसने जैसे ही बोलना चालू किया वो अच्छा नहीं लगा, तो लोग ऐसे जबरन कर ताली बजाए और सीटी बजाए सबने, और उसको ऐसे कमेंट करके उसको, मतलब गलत गलत बोलकर उसको हटा दिया, तो जाके बैठ गया मंच पर। उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। मतलब हम जो इन्होंने लिखी है ये कविता, उन्होंने ये बताया कि कहानी जिन्होंने लिखी है, उन्होंने ये बताया कि वहीं पे हमारी भी कुर्सी वहीं पास में थी, हम भी वहीं बैठे हुए थे, क्योंकि हमें भी उस सभा में, मतलब वहां पे हमें भी निमंत्रण था बोलने के लिए। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, उस लड़के ने क्या कहा इनसे, मतलब हमसे जो वहां पे गए थे उनसे, उन्होंने धीरे से कहा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। उसने ये बताया कि ये भाषण देने का मेरा पहला मौका था, है ना। ये किसने लिखी है? ये अनंत गोपाल शेवड़े जी ने लिखी है। तो ये कहानी, मतलब जो कहानी है ये अनंत गोपाल शेवड़े जी ने लिखी है, उन्होंने अपनी कहानी लिखी है, उसी में उन्होंने बताया है कि उस बच्चे ने उनसे ये बात बोली। अब नेक्स्ट पेज पे, 6 नंबर पेज पे देखिए। ऐसा तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई, ऐसा किसने बोला? ऐसा शेवड़े जी ने उस लड़के से बोला। क्या बोला? कि तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य ही ठीक से नहीं बोल पाया था। उन्होंने बताया कि मैंने अपने जो सबसे पहले मैंने जो भाषण दिया था उसमें मैंने सही तरीके से नहीं बोल पाया था, सिर्फ 3 ही वाक्य बोल पाया था। शुरू शुरू में तो ऐसा ही होता है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। शुरू शुरू में क्या होता है? ऐसा तो होता है, मतलब डर लगता है सभी को, सभी को लगता है। आप भी अगर सबसे पहले मतलब मंच पे गए होगे, स्टेज पे गए होगे, तो आपको भी इस टाइप से अंदर थोड़ा डर लगता होगा। सच, उस लड़के ने कहा उनसे, सच वह उत्साह से बोल उठा। मतलब उसके अंदर थोड़ी सी मतलब पॉजिटिव एनर्जी आई, उसने कहा कि उसको थोड़ा सा उत्साह लगा, अच्छा लगा, और उसने कहा सच बोल रहे हो, मतलब उसने उनसे बोला। उसकी परेशानी कुछ कम हुई, मतलब उसको थोड़ा सा घबराहट उसकी कम हुई। बिल्कुल, मैंने कहा, किसने? शेवड़े, अनंत गोपाल शेवड़े जी ने कहा कि बिल्कुल, जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें जिसने तालियां बजाई उसमें से कुछ भी ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम इस टाइप से सुन रहे हैं या करने आए हैं।
वह व्यस्त हो गया, उसकी हिम्मत लौट आई और आगे बढ़कर वह काफी अच्छा वक्ता हो गया। दो तीन बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो मैं शायद भाषण देना ही छोड़ देता। क्या हुआ, उन्होंने बताया कि अगर वो उनका प्रोत्साहन, मतलब उन्होंने उनको धन्यवाद किया अनंत गोपाल जी का, और उन्होंने बताया कि अगर आपने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया होता तो मैं भाषण नहीं दे पाता। जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोक हो, ग्रस्त हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता का, प्रोत्साहन की जरूरत होती है। मतलब जब व्यक्ति क्या होता है, त्रस्त मतलब किसी चीज से परेशान हो, शोकग्रस्त हो, मतलब अगर उसका कोई बुरी चीज, उसके साथ कोई बुरी घटना हो गई हो, या तब उसको किसकी चीज की जरूरत होती है, सहानुभूति की और सहायता और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। उस समय उसका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। क्या होता है, जब हम मान लो फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास थोड़ा सा, और हमसे कुछ काम गलत हो जाता है तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, हमें उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। उस समय उसकी खिल्ली उड़ाने का या उसकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। मतलब उस समय हमें उनकी मतलब उनसे मजाक नहीं करना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में इनके सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण है, तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है। अगर दूसरे के क्या, दूसरे के सुख दुख में क्या करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनकी सच्चे दिल से दिलचस्पी देना चाहिए, तो ये क्या होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं ना, आपकी व्यवहार कुशलता कहलाती है, जो लोगों के हमारी ओर आकर्षित करती, जो मतलब इससे लोग हमारे तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए, मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय की बांध भी सकती है, मतलब वही हृदय को बांध भी सकती है ना। मतलब सच्ची भावना से अगर आप किसी कार्य को करते हो तो वो सही, मतलब सही होती है, अच्छे कार्य होते हैं वो, है ना। मानव की, पेज नंबर 7 पे देखिए, मानव की दो मूल प्रवृत्तियां होती है, कौन कौन सी, एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें। लोग क्या सोचते हैं कि एक मतलब हमारे गुण की कद्र करें, हमारी जो हमारे जो अच्छे कार्य उसी की सब सराहना करें, और हमें मतलब दाद दें, जैसे कि मतलब कहते हैं ना कि वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, इस टाइप से ना, और हमारा आदर करें, क्या करें, मतलब हमारा सम्मान करें, आदर करें। और दूसरा क्या होता है, दूसरा वे हमसे प्रेम करें, है ना। हम सभी चाहते हैं कि सभी व्यक्ति हमसे मतलब प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, मतलब अगर हम वहाँ पे नहीं है तो हमको लोग ढूंढे, हमारे मतलब महसूस करें कि हम उनके पास पास रहते, हम उनका कार्य, मतलब वो हमारे लिए कार्य कर पाते। अब उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं, ऐसा अनुभव करें, है ना। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे कोई भी हो, चाहे हमारे मम्मी पापा भाई बहन या कोई भी पर्सन हो, वो हमारे मतलब ऐसा हमारे लिए ही अनुभव करे, मतलब ये सोचे कि हाँ भाई हम रहते तो ऐसा अच्छा कार्य कर सकते। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है, होता है ना, आपको ऐसा लगता है ना कि भाई हमारे वाह कितनी अच्छी प्रशंसा कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है ना, तो हमें अच्छा लगता है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सके तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावना को ठीक ठाक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। क्या होता है,
दूसरों की भावनाओं को ठीक ठाक से समझना, उनकी कद्र करना, उनकी सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना उनके साथ में, ये क्या कहलाता है? व्यवहार कुशलता कहलाती है ना। ये हमारे सामाजिक जीवन में ये बहुत लोकप्रिय है ना, और ये हमारी लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी, कुंजी मीन्स चाबी है ना। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है और मतलब हमें हमारे जीवन में सुख शांति मिलती है। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर था, इसको मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा और आपको इसके शब्दार्थ या उसके सही जोड़ी या फिर जो आगे के एक्सरसाइज हैं वो आपको पीडीएफ पे हम सेंड करेंगे और आपको आपकी कॉपी में लिखना है और अच्छे से लिखकर उसको आपकी कॉपी पर लिखना है और उसको फोटो सेंड करना है। और जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो बच्चे बुक ले लें। थैंक यू।